हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम तैयारी। आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं न्यूज़ जो कि एक कुरुक्षेत्र कलर्क भर्ती से रिलेटेड न्यूज़। जैसा कि आप शुरू से जानते हैं कि कलर्क की भर्ती की प्रक्रिया में हर स्टेप पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रही है। स्टार्टिंग से कोई ना कोई मतलब कि इशू आता रहा है इस भर्ती की प्रक्रिया में। और ऐसी एक भर्ती की जो प्रॉब्लम आई है वो आप देख सकते हैं, हमने थंबनेल जो आपने देखा था उस पर आप देख के समझ ही गए होंगे। तो हम इस न्यूज़ पे आपको लेके चलते हैं कि ये असल में ये हुआ क्या है। तो चलिए यहाँ पे हम चलते हैं, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं खुद की के कलर्क भर्ती में। देखते हैं के कलर्क भर्ती में जो अभ्यर्थी थे उनके दस्तावेज़ों में मिली थी गड़बड़ी। उन्होंने जो 12वीं कक्षा के 3 सब्जेक्ट्स थे उसमें 16 से 20 अंक मतलब जितने ओरिजिनल मार्क्स थे, किसी में 4-5 मार्क्स बढ़ा दिए, किसी में 5-6 मार्क्स बढ़ा दिए, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7, तो ऐसे मिला के टोटल उन्होंने 16 से लेकर 20 मार्क्स बढ़ा दिए थे ताकि वो उस फॉर्म को अप्लाई कर सकें। और फिर बाई चांस में जो उनका लक था वो क्या हुआ कि कलर की भर्ती में जो उनका एग्ज़ाम था वो क्लियर हो गया और वो मतलब कि उस लिस्ट में उसका नाम आ गया। जब उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाया गया तो वहाँ पर वो गड़बड़ी पकड़ी गई। ठीक है, तो यहाँ पर आप दूसरी बात यहाँ पर देख सकते हैं, जो अंक तालिका थी उसमें हेरा फेरी कर के यू वी ने कलर्क पद के लिए किया था ऑनलाइन आवेदन। मतलब जब वो ऑनलाइन अप्लाई कर रहा था, जब उसको जितने परसेंटेज की जरूरत थी उतने परसेंटेज बनाने के लिए उसने क्या किया, किसी एक 3 सब्जेक्ट होते हैं, 3 सब्जेक्टों में से किसी में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश वगैरह ये सब्जेक्ट है ना, तो इनमें से किसी ना किसी सब्जेक्ट में किसी में 4 बढ़ा दिए, किसी में 5 बढ़ा दिए, ऐसे कर करके उसने 15-16 मार्क्स बढ़ा के जो उसकी क्राइटेरिया थी कि इतने परसेंटेज वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, तो उतने परसेंटेज बनाने के लिए उसने मार्क्स बढ़ाए थे और वो गड़बड़ी अब यहाँ पे पकड़ी गई है। तो चलिए ये पूरी न्यूज़ अब हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि कुरुक्षेत्र, एक तो इसका लोगो, दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं कि कुरुक्षेत्र में जो ये कलर की भर्ती थी 198, इस भर्ती प्रक्रिया के तहत जब दस्तावेज़ों की जाँच हुई थी उसमें गड़बड़ी मिली है। ठीक है, उसके बाद एक अभ्यर्थी ने, एक सेकेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस अभ्यर्थी ने डिजिटल तकनीक से 12वीं की अंक तालिका में हेरा फेरी करके 3 विषयों में 16 से लेकर 20 अंक तक बढ़ा दिए थे। उसके बाद कौन सा, अब वो देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट में इसने मार्क्स बढ़ाए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जांच में सच सामने आने के बाद वीवी ने पुलिस को मौके पर बुलाकर जो अभ्यर्थी थे उसको पकड़वा दिया था। समाचार लिखे जाने तक पुलिस ने पकड़े हुए अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई केस दर्ज नहीं किया था। मैं जब तक वो पूरा का पूरी न्यूज़ मतलब कि फाइनल नहीं हुई, ये जो न्यूज़ यहाँ पे आप अखबार की न्यूज़ देख रहे हैं, जब तक ये न्यूज़ लिखी नहीं गई, जब तक ये पब्लिश नहीं हुई, तब तक पुलिस ने उसके खिलाफ़ कोई केस दर्ज नहीं किया था। लेकिन कुरुक्षेत्र जो विश्वविद्यालय है उसके प्रवक्ता डॉक्टर अशोक कुमार, उन्होंने बताया कि जो दस्तावेज सत्यापन थे प्रक्रिया उसके दौरान दस्तावेजों में गड़बड़ी मिलने पर अभ्यर्थी को काबू किया गया है। इस संदर्भ में अब ये बताते हैं कि जो प्रशासन ने थर्ड गेट पुलिस चौकी में शिकायत सौंपी थी। अभ्यर्थी ने 12वीं की अंक तालिका में ये देखिए हिंदी विषय में 57 अंकों के स्थान पर 73 कर दिए थे, 57 की जगह 73। दूसरा आप देख सकते हैं अंग्रेजी विषय में 44 के स्थान पर 16-60, मतलब कि इंग्लिश में ये हिंदी में देख रहे हैं आप 57 से 77 कर दिए। दूसरा आप देख रहे हैं इंग्लिश में 44 से 60, 16 मार्क्स यहाँ बढ़ाए हैं, 20 मार्क्स ऊपर बढ़ाए हैं। और तीसरा आप देख रहे हैं मैथ, मैथ्स में 37 से 57 कर दिए इसने। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक वो डिवाइसेस से उसकी इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक का आजकल आप जानते हैं, उनसे उसने क्या किया, जो उसकी DMC थी +2 की उसमें मार्क्स को चेंज कर दिया, डिजिटलाइज करके मार्क्स को चेंज किया और इतने मार्क्स बढ़ाने के बाद वो उसको अप्लाई कर पाया। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो उसकी ओरिजिनल DMC जब उसको मंगवाई गई तब उसने वो पकड़ा गया, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे पकड़ा गया कि इतने मार्क्स उसके आए भी नहीं थे जितने अब यहाँ पे आए हैं। और फिलहाल इसका नाम उस लिस्ट में आ चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं। अब जो गड़बड़ी पकड़ी गई तो अब पहले ही इन्होंने 198 से 195 पोस्ट दी थी, अब 195 से एक बंदा पकड़ा गया तो ये हट गया, तो अब 194 पोस्ट है। अब भी मतलब कि जो एक पोस्ट जो अभी इसकी वजह से खाली रह गई, अब उसके लिए फिर से प्रॉब्लम होने वाली है। तो मतलब कि इस प्रक्रिया में कुरुक्षेत्र कलर की भर्ती में बहुत सारी गड़बड़ी हुई है गाइस। और एक तो अब आपके सामने ये भी आई है, ऐसे बाकी गड़बड़ी वगैरह या फिर इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी कुरुक्षेत्र कलर से रिलेटेड वो सब हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। इसके लिए अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। गुड नाइट।